झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने के चलते कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल की। अचानक हड़ताल कर देने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल से ठेका प्रथा समाप्त करते हुए नए सरकारी बोर्ड RLDC के माध्यम से ठेका कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, पिछले 2 माह का बकाया वेतन भी जल्द दिया जाए। कई बार प्लेसमेंट ठेकेदार एवं अस्पताल अधीक्षक से कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं प्लेसमेंट एजेंसी वाले मनमानी कर रहे हैं और आईडी बनाने के लिए भी 50-50 रुपए वसूली कर रहे हैं। वहीं ड्रेस के पैसे भी ले लिए गए हैं और ड्रेस अभी तक नहीं दी गई है। हमने 2 दिन पहले अधीक्षक साहब को भी ज्ञापन दिया था, अगर हमारा वेतन नहीं आया तो हम स्ट्राइक करेंगे। 21 तारीख को हम स्ट्राइक करेंगे। अभी क्या आज क्या मेडिकल कॉलेज में क्या हड़ताल कही है क्या आपके? हड़ताल सुबह 9 बजे से हड़ताल शुरू होगी। सुबह 9 बजे से हड़ताल तक वेतन नहीं मिलेगा, तब तक तो हड़ताल चलती रहेगी। तिलक लखताब ने आश्वासन दिया है। कितने महीने का वेतन बकाया? 2 महीने का वेतन। 2 महीने का वेतन क्या 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 कहा जा रहा है? ठेकेदार ये कह रहा है कि मेरा बिल पास नहीं हो रहा, जबकि निविदा में लिखा हुआ है कि 2 महीने की सैलरी वो खुद अपने पास से देगा बिना बिल पास। अभी क्या कहा जा रहा है ठेकेदार के द्वारा? ठेकेदार फोन ही नहीं उठाता, अधीक्षक साहब का फोन नहीं उठाता। आज कितने लगभग कर्मचारी हड़ताल पे? कर्मचारी 1300 है, बाकी हड़ताल सभी है। अभी जो मॉर्निंग ड्यूटी पे है वो सारे हड़ताल पे है। कितने कर्मचारी होंगे? 800 कर्मचारी। आज जिला कलेक्टर से भी आपसी मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया है? जिला साहब ने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक सैलरी आ जाएगी आपकी, और इन्होंने ये लेटर बना के दे रहे हैं ठेकेदार पे कार्रवाई करने के लिए। अगर सैलरी नहीं डलती है तो आगे क्या करेंगे आप? अगर हमारी हड़ताल जारी रहेगी, अगर आज कार्रवाई नहीं होती तो। आज आपने ये ज्ञापन दिया है, ये किसलिए दिया है? ये ज्ञापन हमने इसलिए वजह से दिया है कि आज हम सब कर्मचारी हजारों की संख्या में इस वजह से एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है उन्होंने बजट घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी राजस्थान स्तर पर और सबको रेशियो की तर्ज पर वेतन वृद्धि के साथ मिलेगा, लेकिन उन्होंने उनका वादा अधूरा रखा है और इस वजह से हम इस मांग को लेकर यहाँ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना है। और इसके अलावा हमारी एक और मुद्दा है कि ठेके वाले हमें 2 से 3 महीने तक में जब पूरा वेतन नहीं देते हैं, समय पर देते हैं और शोषण हम पे होता रहता है महीनों तक, ये हमारे मेन मुद्दे। तो अभी आपके कितने महीने से नहीं मिली तनख्वाह? हमारी 2 महीने से तनख्वाह नहीं है। और अभी आपने कार्य बहिष्कार कब से किया है? कार्य बहिष्कार आज से चालू किया है और ये जब तक रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती आचार संहिता लग जाती, रोजाना 10 से 12 बजे तक 2 घंटा का कार्य बहिष्कार। आप किस किस पोस्ट पर हैं सब आप लोग? हमें कंप्यूटर ऑपरेटर अलग अलग स्तर पर है सर। किस किस पोस्ट पर हैं? कोई वार्ड बॉय है, कोई DDC है, ट्रॉली मैन है, कोई नर्सिंग स्टाफ है, कंप्यूटर ऑपरेटर। आज आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है और हड़ताल की है वो किस लिए की है? सर ठेका प्रथा बंद कराने के लिए और 2 महीने से हमारा वेतन रुका हुआ है। अच्छा, तो अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर हमारी मांगे यही है कि ठेका प्रथा बंद हो और तो हड़ताल तो कंटिन्यू चलती रहेगी सर आचार संहिता। तो आपको ठेकेदार पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है? सर उनके पास बजट नहीं है, वो यूँ बोलते हैं बजट नहीं है, सबकी बात है, हमारी बिल लगाए बिल पास नहीं हुआ उनके, और अधीक्षक सर ने भी उनसे बात करी थी लेकिन फोन नहीं उठाया उन्होंने। कितने टाइम का पेमेंट बाकी है आपका अभी? 2 महीने का। 2 महीने से पेमेंट बाकी है। मनमाने चार्जेस और सर हमें 5 तारीख का कराना है टाइम, मतलब 5 तारीख मंथ के 5 तारीख को वेतन आ जाना चाहिए। और यूनिफॉर्म के भी पैसे काटते हैं, यूनिफॉर्म भी उन्होंने हाँ दी भी नहीं और काटते भी पैसे हो। पैसे काट रहे हैं आपके यूनिफॉर्म के पैसे भी लिए और पैसे काट रहे हैं सर उन्होंने आईडी के 50 रुपये काटा, मतलब हमें तो पूरी तरह से बंद करवाना है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह है और मैं मृतक का अच्छा मित्र था और समाज में करनी सेना का एक छोटा सा पद है जो कार्यकर्ता के रूप में है। करनी सेना ने जिस तरह से झालावाड़ में मृतक के शव को लेकर प्रदर्शन किया, तो किस तरह की मांगे वहाँ की गई थी? वहाँ इस तरह की मांगे की गई थी, लेडीज जो उसकी मृतक की जो पत्नी थी उसके 3 बच्चियाँ थी, उनके लिए 2500 2000 जो भी महीने के हिसाब से उनको संविदा में नौकरी, लेडीज को 5 लाख रुपये का इस तरह का आश्वासन देकर उन्होंने प्रशासन ने हमें इस बात से आगे तक पहुँचाई, प्रशासन ने उसकी कार्रवाई करने के बाद हमने लाश को उठाया। आगे करनी समय किस तरह की कार्रवाई करना चाहेगा मृतक के परिजनों को, यानी कि जिनको न्याय दिलाने के लिए? न्याय दिलाने के लिए अगर करनी सेना चाहेगी तो न्याय तो मिलेगा ही, न्याय तो देना ही पड़ेगा उनको। दूसरी बात क्या है कि न्याय अगर प्रशासन इस प्रकार का न्याय नहीं देते जो हमने मांगे रखी थी और प्रशासन ने उसकी हाँ करी है,
नहीं देती है तो आगे आंदोलन की चेतावनी थी, बड़े अधिकारियों से पद से पूछ के की जाएगी। देखने में आता है कमिश्नर काफी बड़ा एक ग्रुप है, यानी कि एक संगठन है। इस संगठन के नाते जो ये एक राजपूत समाज के एक युवक का जिस तरह से सरेआम एक हॉस्पिटल में हत्या हुई है, उस हत्या को किस तरह से आप नृशंस हत्या दर्शाना चाहेंगे? नृशंस हत्या ही समाज का कोई आदमी जाता है वो भी बेकसूर मारा जाता है, जिस हॉस्पिटल में इलाज होता है वहाँ मृत्यु हो रही, तो उस हॉस्पिटल का क्या है? महत्व ही नहीं है कि उसके बाद में 14 सितंबर को मर्डर हुआ, उसके 2 दिन बाद फिर चाकू हो गए, ये कौन सी बात है? प्रशासन भी स्टिक हो, है ना, और बाकी के जो संजू पार्षद संजू गुजर वगैरह रामलाल, ये जो बल्लू रामलाल वगैरह ये जो है ना, इनको गिरफ्तार किया जाए, इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा, पुलिस प्रशासन की भी अच्छी है होगी ना, और व्यापारी लोग सब जितने भी सब व्यवस्था में रहेंगे। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर क्या कहीं ना कहीं संदेह नजर आ रहा है क्या? संदेह तो नहीं है, लेकिन इन लोगों को गिरफ्तार तुरंत अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए।